रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, हम बात कर रहे थे होस्टिंग की ना, कि आप एक होस्टिंग पर कितनी वेबसाइट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपने कहा था कि एक नया अकाउंट बनाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। तो जी मैं डिफरेंट होस्टिंग जो है ना फेमस हैं वो ओपन कर रहा हूँ। इसमें ब्लू होस्ट भी है, इसमें होस्ट गेटर भी है। ठीक और इनके अंदर जो ऑप्शन है वो ये होती है कि दिस वन इज होस्टिंग, आप शेयर होस्टिंग में या वर्डप्रेस होस्टिंग में क्लिक कर लें तो आपको वहाँ पे डिफरेंट पैकेज नजर आते हैं। ये देखें, दिस इज द प्राइस 1.58 पर मंथ, और ये आपको 3 वेबसाइट्स अलाउ करता है इस पे अपलोड करने की। जैसे 3 से आप 4 पे जाएंगे तो आपको फोर्थ वेबसाइट जो है ना उसको अपलोड करने की इजाज़त नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, तो यहाँ पे जितनी मर्जी वेबसाइट कर सकते हैं। हम जैम पे कर रहे थे तो जैम पे मैंने बताया था कि आप बेटी डॉग फोल्डर में अनलिमिटेड फाइल वेबसाइट जो है ना वो ओपन क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अगेन डिपेंड्स कि आप के सिस्टम में कितनी स्पेस है या आपके सिस्टम कितना सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 वेबसाइट जो है ये मैंने क्रिएट की हुई। ठीक है, और इसके अलावा मैं जितनी भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो इसी तरह जो होस्टिंग होता है ना, इसके अंदर जो मेन डोमेन होती है उसमें तो आप एक एक ही कर सकते हैं। ठीक है, 000 वेब होस्टिंग मैंने खुद पर्सनली यूज़ नहीं की हुई। ठीक है, उसी मैंने एक डमी अकाउंट बनाया था लेकिन मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया, तो मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि वो कैसे एक्सेस करेगा। लेकिन चूंकि बैंडविड्थ और डिस्क स्पेस बहुत कम है तो चांसेस है कि आप सेकेंड या थर्ड वेबसाइट जो अपलोड करें तो आपको एरर दे। उसकी एक ऑप्शन, उसके तरीका ये होता था कि हम मैं अपने साथ अपने क्लाइंट साथ ये करता हूँ कि जब मुझे किसी वेब क्लाइंट को अपनी वेबसाइट प्रेजेंट करनी होती है तो आई क्रिएट अ सब डोमेन। लेकिन आपके पास ऑलरेडी सब डोमेन आ रही है क्योंकि आप फ्री अकाउंट यूज़ कर रही हैं 000 वेब होस्टिंग का। तो हम क्या करते हैं कि client1.domainname.com, ठीक है, और इसे client2.domainname.com। तो डोमेन नेम हमारा हमेशा सेम रहता है और हम सब डोमेन्स अनलिमिटेड क्रिएट कर लेते हैं। सो वी डोंट गो फॉर अनलिमिटेड डोमेन्स। इंस्टेड देखें ना, यहाँ पे जैसे मेरे पास अलाउ है 3 वेबसाइट्स, तो मैं करता हूँ 3 वेबसाइट्स रखता हूँ, लेकिन मैं इसमें अनलिमिटेड सब डोमेन बना सकता हूँ। तो मैं अनलिमिटेड सब डोमेन बनाता जाता हूँ। ठीक है, और उसके लिहाज से फिर हम क्लाइंट को उसको प्रेजेंट कर देते हैं। आई विल शो यू, लेकिन मैं उसको फिर रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगा क्योंकि वो क्लाइंट का डाटा है। ठीक है, तो मैं उसको जब रिकॉर्ड सेशन एंड करूँगा तो मैं उसके बाद आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे आप क्लाइंट को वेबसाइट प्रीव्यू वो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, सॉरी, क्योंकि वो क्लाइंट का डाटा है। तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को लास्ट में। ठीक है, और ये क्वेश्चन था। ठीक है, जहाँ तक हम वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट में वर्डप्रेस की बात करते हैं। वर्डप्रेस में हमने तकरीबन आई थिंक जो सारा चीज़ें हैं वो गो टू कर ली, सिर्फ प्लगइन्स रह गए थे। ठीक है, और ये डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं। दिस इज आई पेज, ये आपको $1.99 पर मंथ में अनलिमिटेड वेबसाइट्स, अनलिमिटेड बैंडविड्थ और सेक्टर से प्रोवाइड करता है। मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ, मुझे पसंद है। ठीक है, ब्लू होस्ट बहुत अच्छा प्रोवाइडर है, ये आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। GoDaddy है, ये बहुत मशहूर है, लेकिन ये बहुत ओवर चार्ज करते हैं और बार बार चार्ज करते हैं, तो मैं इनको कभी शुरू में स्टार्ट किया करता था, यूज़ किया करता था, अब नहीं करता। ठीक है, और ये होस्टिंगर ने बाय कर ली हुई है वैसे, बाय द वे। ठीक है ना, ये जो होस्टिंगर है इसने बाय कर ली हुई है, तो फ्री तो ये अभी भी दे रहे हैं, लेकिन आगे जो है ये होस्टिंगर के पैकेज है। ठीक है, और ये एक है, ये आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, जो माइक्रो निच वाले हैं, निच वाले हैं वो आजकल इसको इसी को यूज़ कर रहे हैं, जो होस्टिंगर को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनके पैकेजेस बड़े अफोर्डेबल हो जाते हैं। लाइक $18 के अंदर आपको पूरे साल की होस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, तो ज़्यादातर यूज़र आजकल ये यूज़ करते हैं। ठीक है, और अब आते हैं प्लगइन्स पे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर रहे थे कि अब मैं प्लगइन सेटअप करना है कॉन्टेक्ट अस पेज का। ठीक है, मैंने वो फिलहाल डिलीट कर दिया ताकि हम आज के सेशन जो है ना वो इंटायर प्लगइन्स पे कर लें। मैं इसको ऐड न्यू करता हूँ। प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन होते हैं जो आपके वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, और हम जाते हैं इसमें, यहाँ पे आप देखें बाय डिफॉल्ट ये कुछ प्लगइन जो है ना शो हो रहे हैं। अभी हम जो एडिटर देखते हैं, मैं एक न्यू पेज के तौर पर ऐड कर लेता हूँ, ऐड न्यू पेज। आज फिलहाल जो हम जो प्लगइन देख जो एडिटर देखते हैं ये ब्लॉक एडिटर है। ये वर्डप्रेस है 2018 या 2019 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। उससे पहले जो था वो एक क्लासिक एडिटर यूज़ होता था। ठीक है, और ये बड़ा सिंपल था, फ्रेंडली, बिल्कुल जिस वर्डप्रेस, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अब यूज़ कर रहे हैं उस अंदाज में ये काम करता था। फिलहाल तो इन्हें ये अपडेट करके चेंज कर दिया हुआ। अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ क्लासिक एडिटर को, ठीक है, इसमें ये है कि जो बेसिक जो बिल्कुल स्टार्ट में करें तो उनके लिए बड़े अच्छा हो जाता है,
लेकिन चूंकि मैं खुद इसको ही क्लासिक एडिट को यूज करता हूँ क्योंकि मुझे आदत हुई हुई है, लेकिन चूंकि आप बिल्कुल नए स्टार्ट में कर रहे थे तो मैंने इसलिए कहा कि आप लोग नई चीज़ पे सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, जिसमें एक ऑप्शन होता है दिस वन, और ये वाहिद प्लगइन था जो जब ब्लॉग ने एडिटर इंट्रोड्यूस करवाया, ये देखें ये क्लासिक एडिटर है। ठीक है, अब यहाँ पे पेज का नाम लिखते हैं कॉन्डेक्टस, और यहाँ पे आप सारा कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, और वो जो ब्लॉक वाला था वो ब्लॉक वाला था, और अगर आपको ऑप्शन देखने हैं तो आप ये देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपको किसी चेक कलर लगाना है, किसी को इंजीनियर इंडेंट करना है, ठीक है, और साइज चेंज करना है, जैसी चीज़ें जो थी वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये क्लासिक एडिटर था, ये पहले यूज़ होता था, और अभी भी जो पुराने यूज़र हैं वो मोस्टली ये यूज़ करते हैं, मैं ये यूज़ करता हूँ, लेकिन जो बाकी हैं वो जो नया ब्लॉक वाला आ गया वो यूज़र वो उसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अ प्लगइन क्लासिक एडिटर। ठीक है, जैसे हमने कॉन्टेक्टर्स की बात की थी वो एक प्लगइन है, इसी तरह ये क्लासिक एडिटर भी एक प्लगइन है। इसको मैंने देखें आपके सामने इंस्टॉल किया है, मैंने इसको एक्टिवेट किया है, और एक्टिवेट करते ही ये जो एडिट वाला पेज है चेंज हो गया है। ठीक है, पहले डिफरेंट इसकी आउटलुक होती थी, अब डिफरेंट आउटलुक हो गई है। ठीक है, और हम इसको डिफरेंट अंदाज में यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ इस पेज को, ये हमने कॉन्टेक्ट पेज का न्यू पेज क्रिएट किया। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है ना वो सेटअप करेंगे। बाय डिफॉल्ट जब क्लिक ऑन दिस पेज तो हमारे पास ये ओपन होता है, और ये सारे जो ऑप्शन हैं वो सारे सेम टू सेम ही हैं, पब्लिश, ठीक है ना, विजिबिलिटी, पब्लिश डेट, पेज एट्रीब्यूट, फीचर इवेंट, एटसेट्रा, ये सब कुछ आपको वहाँ पे भी मिलता है, ब्लॉग एडिटर में मिलता है। वहाँ पे सिर्फ एडिट करने का जो ऑप्शन है, जो स्टाइल है वो चेंज कर दिया। ठीक है, और ये कॉन्टेक्टस पेज जो अभी हमने क्रिएट किया है कॉन्टेक्टस 2 के नाम से, क्योंकि कॉन्टेक्टस 2 के नाम से इसलिए है, कॉन्टेक्टस पेज हमने ऑलरेडी एक बनाया हुआ था। ठीक है, अब हमें इस कॉन्टेक्टस पेज के लिए एक प्लगइन चाहिए, हम फॉर्म शो करना चाहते हैं इस पेज पर, तो हम उसके लिए फॉर्म शो करेंगे। हम इसे करते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। ठीक है, ये सबसे जो फेमस और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्म है वो ये है। ठीक है, दिस इज कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इट्स इंस्टॉलिंग, एक्टिवेट करते हैं। ये हमने इसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, और अब हम जाते हैं, देखिए ये चीज़ जो है ना यहाँ पे इस लेफ्ट साइड में एक न्यू पैनल ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो प्लगइन होता है ये क्या करता है, थीम की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करता है, वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करता है। तो उसने एक नया फंक्शन हमें दे दिया, पहले ये नहीं था, हम कॉन्टेक्ट फॉर्म एडिंग कर सकते थे, बाय एडिंग दिस अब हम कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट कोड था दिस वन, आपने देखा ये दिस वन, ये ब्लू में, और इसको हम बल्कि इसका पहले मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। हम इसे कॉन्टेक्ट पेज पर यूज़ कर रहे हैं, हम इसको सेव करते हैं। तो ये सेव करने से जो है ना ये थोड़ा सा आईडी तो सेम रहेगी, टाइटल जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आईडी सेम रहती है तो कोई मसला नहीं होता, आप कॉन्टेंट कॉपी करके बेसिक टाइटल चेंज कर लें वो फिर भी यूज़ होता रहेगा। हम इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने कॉपी की है यहाँ से, और ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आईडी 2505 कॉन्टेक्ट फ्रॉम आईडी इक्वल टू इसको, और टाइटल था कॉन्टेक्टर। हम इसको अपडेट करते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट जैसे आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक फॉर्म क्रिएट हुआ होता है जो आप यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हैं, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट होता ना वो चीज़ हमारे पास हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको सब डाटा को रिमूव कर देता हूँ, हम इसको सेव कर देते हैं, और हमारा कॉन्फ़िगरेशन एरर आ गया क्योंकि अब हमने ज़रा डाटा साफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चूँकि शॉर्ट वर्ड तो लिखा हुआ लेकिन हमारे को फॉर्म नहीं है, अब हम फॉर्म क्रिएट करना शुरू करते हैं। सो अब हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें हम यूज़र से पूछते हैं कि उसका फर्स्ट नेम क्या है। ठीक है, हम कहते हैं ये रिक्वायर्ड फील्ड है, हम उससे पूछते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, अब इफ़ यू वांट टू शो कि वो कैसे लिखा हो, ठीक है, हम लिखते हैं फर्स्ट नेम यूज इज चेक्स द प्लेस होल्डर ऑफ द फील्ड। ये हमेशा एक्टिवेट कर दें, अच्छा रहता है कि एक यूज़र को बाय डिफॉल्ट नज़र आ जाता है। ठीक है, और हम इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें ये प्लेस होल्डर जो है ना, प्लेस होल्डर का तो मतलब ये इसके अंडर शो हो रहा है। ठीक है, जैसे इसको आप वो करेंगे तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। ये फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे अक्सर आपने कभी फॉर्म फिल किया हो तो वहाँ पे एग्जांपल लिखी होती है, जैसे ये आप इस अंदाज में इस फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे अगर आपने CNC लिखना है तो शायद आप यहाँ पे लिखा हो कि ऐड विदाउट डैश, ठीक है, योर आईडी कार्ड नंबर, या
अगर आपने फोन नंबर यूज करना है तो उसका फॉर्मेट यह है कि +92336 या 334 इस फॉर्मेट में लिखें, तो आप यहाँ पे कोई मैसेज तो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने इसके अंदर वो एज अ प्लेस होल्डर यूज कर लिया है, लेकिन इन केस यू वांट टू ऐड अबव इट ताकि यूजर को पता चले क्या चीज़ है, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं फर्स्ट नेम, इस जो ये जो फील्ड है इसके ऊपर। मैं इसको सेव करता हूँ, अब देखें फर्स्ट नेम उसके नीचे जी फील्ड आ गए, ठीक है। बल्कि इसको हम फुल नेम कर देते हैं, फुल नेम, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं ताकि हम फील्ड का भी बनानी पड़े, ठीक है, फुल नेम। अब हम उससे पूछते हैं उसका ईमेल एड्रेस, ये जो भी यूजर है, ताकि अगर वो हमें कॉन्टेक्ट करना चाह रहे तो हम हमारे पास उसका ईमेल एड्रेस भी हो, ठीक है। जैसे मैं फॉर्म में रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म था हमारा, मैं उससे पूछ रहा था, तो दिस इज द ईमेल टैग, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, अगर डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो चेंज भी कर डिफॉल्ट रख लें, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपको जब शॉर्ट कोड वहाँ पे जो मेल सेक्शन है उसके अंदर ऐड करने होंगे, वो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में कि ये कहाँ पे यूज होते हैं बेसिकली, ये जो टैग्स हैं जो आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल abc@mailprovider.com, ठीक है। इसको यूज दिस टैग्स एज द प्लेस होल्डर, इंसर्ट टैग और ईमेल एड्रेस, हम इसको सेव कर देते हैं। ये देखिए तो हमने यहाँ पे बेसिकली मैसेज दे दिया कि अगर आपने ईमेल एड्रेस है तो इस फॉर्मेट में लिखें, ठीक है, abc@mailprovider.com, ठीक है। और अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब हम पूछते हैं कि क्या इस यूज़र के पास कोई वेबसाइट है, वेबसाइट URL, ठीक है। लाइक इन केस जो यूज़र जो हमें कॉन्टेक्ट करना चाह रहा है वो बिजनेस है, तो क्या पता उसकी वेबसाइट भी हो, ठीक है, वेबसाइट URL, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं @without http और yes. Use this text as placeholder, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक गलती मैंने की थी, तो मैं बहुत बता दूँ, URL, ठीक है। ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हर लाजमी नहीं है कि हर यूजर के पास एक वेबसाइट हो, ठीक है। तो ये सिर्फ बिजनेस के पास होगी, तो हम इसको रिक्वायर्ड फील्ड नहीं रखेंगे। इफ़ यूजर वॉन्ट टू फिल दिस फील्ड यू कैन, इफ यू डोंट तो लीव इट, ठीक है। तो इसको हमने रिफ्रेश किया, अब हमारे पास ये फील्ड भी शो हो रही है, ठीक है। हमारे पास शो हो रहा है फुल नेम, हमारे पास शो हो रहा है ईमेल एड्रेस, हमारे पास हो रहा है वेबसाइट URL, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, यहाँ से, टेक्स्ट ईमेल URL। टेक्स्ट जो है ये आप यूज़ करते हैं हर उस चीज़ के लिए जो भी टेक्स्ट बेस्ड होगी, जैसे आपने फर्स्ट नेम पूछ रहे हैं, आप किसी का स्ट्रीट नेम और पूछ रहे हैं, आप किसी का इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो किसी भी फॉर्म में आप पूछ रहे होंगे। जैसे मैंने पूछा कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, कि आपने फ्रीलांसिंग की या नहीं की, अपना इस चीज़ें, तो आप टेक्स्ट में भी पूछ सकते हैं, आप दूसरा भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ोन नंबर का, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ़ोन नंबर मुझे पूछना है किसी भी यूज़र का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, दिस वन टेल, रिक्वायर्ड फिल कर देते हैं और हम लिखते हैं फ़ोन नंबर, इसको आप स्पेस देंगे भी तो ये ऑटोमेटिकली वो अटैच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पेस को जो है ना जहाँ पे अलाउ नहीं करता नेम के साथ, क्योंकि इसने इसकी आईडी क्रिएट करनी होती है। डिफॉल्ट वैल्यू हम लिखते हैं एग्जांपल +92331, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यूज दिस टेक्स्ट एज द प्लेस होल्डर ऑफ द फील्ड, इंसर्ट, तो अब हमने फोन भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ यूजर जो हैं वो यहाँ पे जो टेक्स्ट भी यूज कर लेते हैं, लेकिन टेक्स्ट में देखिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं abcdef, ठीक है। ईमेल एड्रेस जो है आप abc123@gmail.com जो भी लिखना चाहें, वेबसाइट यू आर आप जैसे लिखना चाहें, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे आप वो कर नहीं सकेंगे, ठीक है। जैसे आप ये लिखेंगे यूजली आपको एड दे देगा कि नहीं ये फोन नंबर जो है ये न्यूमेरिक होना चाहिए या ऐसा चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम सबमिट कर सबमिशन करेंगे तो वहाँ पे आपको एरर दे देगा, लेकिन अभी हमने सबमिट का बटन ऐड नहीं किया तो ये चेकिंग वहाँ पे चेक कर देगा, ठीक। और अब हम वहाँ आते हैं नंबर के ऊपर, इफ़ यू वांट टू आस्क सम नंबर, ठीक है। अब मुझे कोई फील याद नहीं आ रही कि हम नंबर किस चीज़ के लिए पूछें,
देखते हैं, दोनों ट्राई कर लेते हैं। मैं स्मोकिंग में नहीं, ये फिलहाल इसको ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अब एग्जैक्टली वो नहीं आ रहा नंबर। क्वेश्चन ही ख्याल में आ रहा है कि क्या इसलिए यूज़ करें। 1000 इसको हम इंजेक्ट करते हैं, इसके ऊपर हमने नंबर लिखा था, ठीक है। ये नंबर की फील्ड यूज़ कर रहे हैं, सेव किया। ये वैसे जिप कोड के लिए यूज़ होता है, वहाँ लिखी जाके जिप कोड जो है, जैसे USA में वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू में होता है, लेकिन जो यहाँ पर यूज़ होते हैं जिप कोड UK में, वहाँ पर उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। तो अगर आप USA के लिए जिप कोड के लिए फील्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप नंबर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आप सिर्फ नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप टेक्स्ट में सिर्फ नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसकी रेंज भी सेट कर दें 1000, तो आप 1000 से ऊपर नहीं जा सकेंगे जिससे आप सबमिशन करेंगे, ठीक है। और ये आप देखें मिनिमम टू मैक्सिमम। और इसके अंदर दूसरा ऑप्शन जो इसी के अंदर था, ये स्पिन बॉक्स था, ये स्लाइडर है, इसको देख लेते हैं। नंबर टू और मैक्सिमम फील्ड, मैक्सिमम ऑप्शन 1000, मिनिमम 10 यूज़ रिक्वायर्ड फील्ड, टू इंजेक्ट सेव। उसके दो स्टाइल हैं, वन दिस वन जिसके थ्रू आप देखें। जब मैं इसको इनहेंस करता हूँ तो ये इसको 1000 से ऊपर नहीं जाने दे रहा, ठीक है। और मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, ये नीचे जाने देगा, और ये 10 से नीचे भी नहीं जाने देगा, ठीक है। और ये आ गया है स्लाइडर के लिहाज से जो वहाँ पे हमने सेट किया था, ठीक है। रेंज एंड नंबर, ठीक है। मैं एक तो दोबारा दिखा देता हूँ, नंबर पे जाते हैं आप देखिए, यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। स्पिन बॉक्स जो है वो ऐसे आया है, ठीक है। स्पिन बॉक्स इसको बोल रहे हैं वो, ये जो चीज़ है, ठीक है। अब देखें 10 से नीचे नहीं जाएगा और 1000 से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। और जो दूसरा था वो स्लाइडर है, और स्लाइडर ऐसे शो हो रहा है, लेकिन स्लाइडर इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें जो साइड पर डिजिट्स हैं वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन इसके ऊपर आप एक्सप्लेन करना चाहें, यहाँ पे आप एक्सप्लेन करना चाहें, तो आप कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू दिस, मिनिमम वैल्यू दिस, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होगी। अब हम आते हैं डेट के ऊपर, इफ़ यू वांट टू, ठीक है ना, आस्क क्लाइंट फॉर डेट, तो आप यहाँ पे डेट पूछ सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये होता है ऐसे कि अगर किसी से अपने अपॉइंटमेंट लेनी है, या किसी कोई क्लाइंट आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, तो आप यहाँ पे जो है ना वो डेट सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। और हम अपॉइंटमेंट, ठीक है, और मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेटअप नहीं कर रहा, इंजर टैग कर देते हैं अपॉइंटमेंट डेट, और इसको हम सेव करते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, यह फॉर्म आ गया आपके पास। यहाँ से आप जो है ना डेट कोई भी, लाइक हम दिसंबर में जाते हैं और दिसंबर के जाके 15 को सेट कर देते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन सेट अप अ डेट फॉर एन अपॉइंटमेंट। तो जो हम नेक्स्ट मैसेज को क्लाइंट को, सॉरी जो एडमिन है उसको जब मैसेज सबमिट करेंगे, तो हमारे पास ये टाइम सेट कर सकते हैं। लेकिन वही अगेन कि ये फॉर्म की रिक्वायरमेंट में होगा, मैं सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे आप सेट ये कैलेंडर जो है ना, डेट फॉर्मेट जो है, उसको आप अपने फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और बल्कि मैं कुछ एग्जांपल भी दिखा दूंगा बाद में, डिफरेंट फॉर्म जो हमने क्रिएट किए हुए हैं फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स, ठीक है। उसके अंदर जैसे आप कोर्ट किसी चीज़ के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए या लॉ फॉर्म के लिए आप कोर्ट लेते हैं, तो उनके अंदर वो आपसे कुछ बेसिक डिटेल सेंड करते हैं। जैसे मैंने फॉर्म जो सबमिट किया था, उस जो एक रखा हुआ सजेशन फॉर्म, उसके अंदर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था आप लोगों से, ठीक है। तो अब वहाँ पे तो मैंने स्केड्यूल जाए वो नहीं ले रहा था, लेकिन अगर आप कोई स्केड्यूल करवाना चाहते हैं, जैसे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, मेरी कल परसों का एक प्रोजेक्ट है जो मेरा कंप्लीट हुआ, वो पेस्ट गार्ड के बारे में था। वो पेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो पेस्ट कंट्रोल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट सेट जो फॉर्म है या बॉक्स है वो सेटअप करते हैं, ताकि यूजर जो है वो आपको पहले बता दें कि किस दिन क्या टाइम अवेलेबल है। यहाँ पर तो ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, वो थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, उसके अंदर आप डेट एंड टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि किस किस टाइम पर वो अवेलेबल है, और किस किस टाइम पर जो यूज़र है वो अपनी बुकिंग रिजर्व करवा सकते हैं, और इसमें होता है, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट डेट आ गई। इसके बाद आता है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। नाउ यू वांट टू आस्क समवन एड्रेस। अब एड्रेस जो होता है वो यूजुअली एक लाइन में कवर नहीं होता, वो मल्टीपल लाइंस में कवर होता है, ठीक है। हाउस नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस, जो सेक्टर है दिस, और फ्लां सिटी एंड फ्लां, ठीक है। हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। एड्रेस डिफॉल्ट वैल्यू अगर हमने यूज़ करनी है कल ने, कि बेसिकली कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, प्लेस होल्डर कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको शायद बार बार यूज़ ना करूँगा, एक दफ़ा मैंने इसको कर लिया, ठीक है। एड्रेस में आते हैं,
ये देखिए अब ये एरिया जो है ना ये इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल जो फील्ड साइज है वो ये है, ये है, ये है, और जब आप कुछ एड्रेस पूछ रहे हैं तो चूँकि एड्रेस आपको पता है कि एक लंबी अंडी होती है, ठीक है, तो वो आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दें यहाँ पे कि मैं राइट सीन एंड सेक्टर को मल्टीपल सेक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन आप मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर दें जिसमें आप बारी बारी पूछ रहे हैं कि हाउस नंबर क्या है, आपका सेक्टर क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है, इस तरह इसका, तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। बल्कि यहाँ पे एक कामयाब जवान वाला वो होता था मेरे पास टाइम, मैं डिलीट कर दिया मैंने, तो उनका जो फॉर्म है उस फॉर्म को हम बेसिकली टास्क तौर पे कर सकते हैं कि उसको आप रिक्रिएट कर लें यूजिंग दिस फॉर्म, ठीक है। और हम आते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर, ठीक है। समटाइम यू आस्क अ क्लाइंट, जैसे आपने अक्सर कोई फॉर्म सबमिट करते हुए पूछा देखा होगा, फ्रॉम वेयर यू हेयर अबाउट अस, ठीक है, आपने हमारे बारे में कहा सुना। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू अभी मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। हम इसको रिक्वायर्ड फिल कर लेते हैं, ये है फ्रॉम वेयर यू हर्ड अबाउट अस, तो आप कहते हैं कि आपने न्यूज़पेपर से सुना, ठीक है, या आपने डिजिटल मीडिया से सुना, या आपने टीवी और रेडियो से सुना, आपने फ्रेंड से सुना, ठीक है ना, फ्रेंड और फैमिली, ठीक है। तो इससे हम डिफरेंट ऑप्शन दे देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट जो है ऐसे कर रहा हूँ कि हम क्या करें, सिंपल तरीके से चले जाएं, ठीक है, कि हमने ऐसे करके वो कर दिया, सेव करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ कॉन्टेक्टर्स को, आगे देखें फ्रॉम वेयर यू हेयर अबाउट अस, तो अब ये देखें आपके पास ड्रॉप डाउन शो हो रहा है, यहाँ से कोई यूजर जो है कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें बाय डिफॉल्ट न्यूज़पेपर आ रहे हैं, तो इफ़ यू वांट टू चेंज दैट, मैं अगेन एक नया फॉर्म सबमिट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू, रिक्वायर्ड फील्ड, और फ्रॉम हर्ड अबाउट अस मैं इसको सिलेक्ट वो कर लेता हूँ, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, फ्रेंड्स स्लैश फैमिली, ठीक है। और इसमें जो भी आपने ऑप्शन क्रिएट करनी है, देखिए आप लिखा हुआ यहाँ पे वन ऑप्शन पर लाइन, तो अगर मैं इसी के अंदर जितना मर्जी एक्सप्लेन कर दूंगा तो वो एक लाइन में रहेगा, तो वो एक ही ऑप्शन होगी। जैसे जैसे आप लाइन नेक्स्ट लाइन के अंदर ऐड करते जाएंगे वो नई ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगी। सो न्यूज़ पेपर इज वन लाइन, रेडियो सेकंड लाइन, टीवी थर्ड लाइन, फ्रेंड्स एंड फैमिली फोर लाइन, तो ये फोर ऑप्शन क्रिएट हो गई हैं। अब लास्ट वाला जो था इसमें हम सिर्फ एक ऑप्शन क्रिएट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम इसको अलाउ मल्टीपल कर देते हैं, इंस्टीट्यूट करते हैं, दोनों में जो डिफरेंस है वो मुझे वो दिखाना चाह रहा था। सेव, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करते हैं, ये फॉर्म बिल्कुल नहीं अच्छा बना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर न्यूज़पेपर सेक्टर में चाहते हैं, रेडियो भी सेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ये मेरे शायद इसकी फॉर्मेटिंग सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप देखें न्यूज़पेपर और इसको आप सेक्ट करें, अब कंट्रोल का बटन यूज़ करते हुए ना मल्टीपल ऑप्शन जो है वो सेक्ट कर सकते हैं, जबकि इस केस में ये करता हूँ सिर्फ एक चीज़ सेक्ट रखता हूँ, मैं दो चीज़ें जो है ना वो क्रिएट सेलेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने बेसिकली कौन ये न्यूज़ फ्रेंड एंड फैमिली भी सेक्ट कर लिया जो ब्लू मार्क हो गए हैं, ठीक है, एंड न्यूज़पेपर भी सेक्ट कर लिया। अब मैं इनको देखें तो ये दोनों सेलेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है, इससे आप मल्टीपल जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब जो इन दोनों चीज़ों के अंदर मसला है वो ये है कि इसमें बाय डिफॉल्ट जो है इसमें न्यूज़, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कैसे ताकि नज़र आए क्लियर हो जाए चीज़। अब बाय डिफॉल्ट देखिए जैसे मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, जो भी यूजर पेज पे आएगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट न्यूज़ पेपर सेलेक्ट हुआ हुआ है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रेडियो सेलेक्ट हुआ है। सो इफ़ यू वांट के नहीं यूज़र आए और वो खुद सेलेक्ट करे, बाय डिफॉल्ट कोई सेक्शन ना हो, तो हम लिखते हैं हर्ड, ये तुम सिर्फ नाम देना क्योंकि मैं डिफरेंट नाम दे रहा हूँ तीनों को, ठीक है, और सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी स्लैश रेडियो, फ्रेंड स्लैश फैमिली। और यहाँ पे हम करते हैं इंसर्ट अ ब्लैंक आइटम एज द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, आप रिफ्रेश करें, तो ये देखिए आप बाय डिफॉल्ट जो है ना फर्स्ट ऑप्शन वो ये है, ठीक है, ताकि कोई यूजर जो है ना वो सिर्फ सबमिशन बटन क्लिक करे और वो सबमिट हो जाए, क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड है तो एक आंसर देना तो लाजमी है। अब लेकिन क्योंकि बाय डिफॉल्ट न्यूज़पेपर सेलेक्ट हुआ है तो एक ऑप्शन तो वो कंसिडर कर लेगा कि हाँ एक ऑप्शन सेलेक्ट हुई हुई है, ठीक है। तो जब इस तरह की चीज़ होगी तो हमेशा पूछेगा कि नहीं कोई ऑप्शन सेलेक्ट करें उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट हो सकता है, बेसिकली एरर देता है फॉर्म अपन सबमिशन, वो जब हम सबमिशन का बटन एक्टिवेट करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। मैं फॉर नाउ यहाँ से दो ऑप्शन जो है क्रिएट कर रिमूव कर रहा हूँ, बोल के रहने देते हैं, ठीक है। और अब हम आते हैं, हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया टेक्स्ट
कैसे ऐड करते हैं, हम डिस्कस कर लिए ईमेल कैसे ऐड करते हैं, यूआरएल, टेलीफोन नंबर, नंबर, डेट, टेक्स्ट एरिया एंड ड्रॉप डाउन मैनुअल। अब चेक बॉक्सेस हैं, चेक बॉक्सेस रेडियो बटन से होते हैं, अगर आपने एचटीएमएल पढ़ी है तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। रेडियो बटन ऐसे होते हैं जिनमें आप मल्टीपल ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और चेक बॉक्सेस में आप मल्टीपल जो ऑप्शन है उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, ठीक है। ये भी एक वे था पूछने का, दिस इज अनदर वे ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर यू हेयर अबाउट अस, हेयर अबाउट अस, हम जाते हैं चेक बॉक्सेस में, रिक्वायर्ड फील्ड है और हर्ड चेकबॉक्स, ठीक है। नंबर वन फ्रेंड्स एंड फैमिली, नंबर टू सर्च, नंबर थ्री न्यूज़पेपर, नंबर फोर टीवी डैश रेडियो, ठीक है। यहाँ पे अगेन वन ऑप्शन पर लाइन, ठीक है, और पुट अ लेबल फर्स्ट चेक बॉक्स लास्ट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑप्शन क्या होती है पहले शो करके, ठीक है। और मैं इसको इंसर्ट टैग करता हूँ, ये हमने चेक बॉक्स किया है, चेक बॉक्स में दिखा देता हूँ फिजिकली क्या चीज़ होती है, इफ वी डोंट नो के एचटीएमएल क्या है, ठीक है। अगर आपने एचटीएमएल में काम नहीं किया हुआ तो ठीक है दिस वन, ठीक है। अब ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, चेक बॉक्स में आप जो है हमेशा मल्टीपल ऑप्शन चेक कर सकते हैं। देखें मैंने चारों चेक कर लिए हैं, कि मैंने क्या पता फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी सुना हो, क्या पता मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ा हो, ठीक है। और मैं दो भी चेक करता हूँ, एक भी चेक कर सकता हूँ, तो जो चेक बॉक्स और रेडियो बटन में मेन फर्क होता है वो यहाँ पे आते हैं कि आप कितने ऑप्शन चेक कर सकते हैं। और जो इसमें एक ऑप्शन आपको शायद मैं जो कहा था कि मैं आपको बार में बताता हूँ, उसमें एक ऑप्शन था, मैं चेक बॉक्स वगैरह ओपन करता हूँ, दिस वन पुट अ लेबल फर्स्ट अ चेक बॉक्स लॉग, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चेक बॉक्स पहले शोर है उसके बाद लेबल शोर है, चेक बॉक्स पहले शोर है बाद में वो शोर है। तो अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं कि लेबल पहले शो, चेक बॉक्स लास्ट में शो, तो वो आप सिर्फ इस बटन पर क्लिक करेंगे और वो फिर वैसे शो हो जाएगा, ठीक है। और ये टाइम भी आई थिंक रनिंग आउट होने लगे, 10 मिनट हैं लेकिन अभी, ठीक है। जो ये चेकबॉक्स हो गए क्लियर, हम इसको लिख देते हैं चेकबॉक्स का नाम दे देते हैं चेकबॉक्स, ठीक है। और फिर हम आते हैं रेडियो बटन पे, रेडियो बटन और चेकबॉक्स में क्या फ़र्क होता है, रेडियो बटन चेकबॉक्स जो होते हैं वो आप मल्टीपल सेक्शन कर सकते हैं, रेडियो बटन में आप मल्टीपल सेक्शन नहीं कर सकते, आप हमेशा सिर्फ एक जो ऑप्शन है उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। रेडियो हर्ड, ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं न्यूज़पेपर, यहाँ पे आप लिखते हैं रेडियो, यहाँ पे आप लिखते हैं सोशल मीडिया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। पुट अ लेबल फर्स्ट चेक चेकबॉक्स लास्ट, ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली कि ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि अगर आप इसको पहले शो करना चाहते हैं और इस बटन को बाद में शो करना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम इंसर्ट टैग करते हैं, सेव करते हैं और हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है, ठीक है। अब ये देखें न्यूज़पेपर बाय डिफॉल्ट एक सिलेक्शन हुई है, मैं रेडियो सेलेक्ट करूँगा न्यूज़पेपर डिसलेक्ट हो गया, तो ये दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ रेडियो बटन जो होता है उसके अंदर सिर्फ आप जितनी भी ऑप्शन होंगे उनमें सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अगेन फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आप फॉर्म बनाने जा रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो हम पे उसके मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सेप्टेंस मैंने खुद नहीं किया अभी यूज़, मैं इसको फर्स्ट टाइम खुद देख लगाऊँ कि क्या चीज़ है, ठीक है। और मैं इसको इंसर्ट करके चेक करता हूँ क्योंकि मैंने इसको खुद नहीं यूज़ किया, ठीक है। तो मैं इसके बारे में ये फॉर्म मैंने नहीं क्रिएट किया हुआ, देख लेता हूँ ये क्या चीज़ है। अच्छा ये आ जाती है, ठीक है ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं या आप किसी भी वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं, ठीक है। डू यू एग्री विद आवर टर्म्स एंड कंडीशन एट सेक्टर सेक्टर, तो ये उस चीज़ के लिए आप सेप्टस लिखें, आप यहाँ पे जो भी कंडीशन लिख दें, लोरा वेबसन ए बी सी एक्स वाई जेड, कि मतलब जो भी आपने कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर दी, इंटर टैग करें तो इसको सेव कर दें। तो अब यूजर जो है इसको सेलेक्ट करना होगा या आपको शायद अक्सर फॉर्म्स में नज़र आता होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए ऐसी चीज़ आदत है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो मतलब आप जो कंडीशन सारी एग्री करते हैं और फॉर्म सबमिट कर देंगे, ठीक है। देख लेते हैं कोई फॉर्म में लाइव में कोशिश करता हूँ मुझे मिल जाए, नज़र आ जाए फ्रंट पे, ओके। अगर मेरे अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ तो क्रिएट न्यू अकाउंट, देखें
बाय क्लिकिंग साइन अप यू एग्री दिस 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 एंड दिस। इसी को हम उठा के कॉपी कर लेते हैं और यहाँ बेस वाला टेक्स्ट को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्सेप्टेंस जो है ना, ये उसके लिए वो छोटा सा चेकबॉक्स अपने आपको अक्सर नजर आता होगा अगर आप फॉर्म वगैरह फिल करते रहते हैं ऑनलाइन, तो ये उसके लिए होता है। ठीक है, मेरे ख्याल चीज मैंने क्लियर कर दी है, क्या हम बताना चाहते हैं। ठीक, दिस वन। और जो लास्ट वन है ये है क्विज, इफ यू वांट टू समर समवन अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन एंड आंसर वन फाइव सेपरेटेड क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर, द कैपिटल ऑफ ब्राजील दिस दिस दिस, अगर आप इफ यू वांट टू हैव सम क्विज तो आप इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे कोई क्वेश्चन आंसर इससे याद नहीं आ रहे, व्हाट इज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, वन पाइप सेपरेटिव क्वेश्चन। अब मुझे पाइप सेपरेटिव नॉट श्योर क्या होता है, अच्छा दिस वन। ठीक है, यू कैन नाउ व्हाट इज वर्डप्रेस सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको हम इंटर कर लेते हैं, या कोई हमने ऐड कर लिया, सेव करते हैं। ठीक है, हम इसको कॉन्टेक्ट फॉर्म को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज वर्डप्रेस, आप यहाँ पे जो भी आंसर करेंगे उसके बाद सबमिट करेंगे तो वो वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और ये जब सबमिट का बटन ऐड करेंगे तो तब शो होगा। ठीक है, मैंने अगेन ये वाला चीज़ मैंने जो चीज़ है ये नहीं की हुई। ठीक है, और पहले कभी ऐड नहीं किया, इसमें मैं खुद भी देख लूँगा डिटेल में ये कैसे, मतलब कोई कोई जमी जो है ना क्रिएट कर लें, बल्कि मैं टास्क दे दूँगा, आप कल जगह नहीं समझ आएगी तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं फाइल के ऊपर। आपने देखा होगा अक्सर जो आप फॉर्म सबमिट करें तो वहाँ पे आपसे फाइल मांग रहे होते हैं, अपलोड दिस फाइल, अपलोड वहाँ फाइल। स्पेशली अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ में आजकल अप्लाई किया तो यूनिवर्सिटीज़ में आपको देखा होगा कि पूरा प्रोसेस जो है ना वो ऑनलाइन हो गया है, इसके अंदर वो आपसे सारी डिटेल्स की स्कैन कॉपी जिन एक्सेट्रा मांगते रहते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर से लास्ट ईयर मैंने खुद मैंने अप्लाई किया था, ये रिक्वायर्ड फील्ड है इसका, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप फाइल साइज लिमिट यहाँ पे बाइट्स में कर सकते हैं, ये वो फाइल साइज लिमिट जो है मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 100 MB 200 MB 20 MB। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एक्सेप्टेबल फाइल टाइप सेलेक्ट करनी है, जैसे JPEG PDF DOC DOC डॉक्यूमेंट, PDF इस वो जो जो अडोब का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे PDF बोलते हैं तो मुझे। ठीक है, और JPEG जो है ये इमेज का फॉर्मेट होता है, PNG इमेज का फॉर्मेट होता है, GIF इमेज का फॉर्मेट होता है, GIF भी हो गया, JPEG भी हो गया, PNG भी हो गया, हाँ ये इमेज के फॉर्मेट हैं, वीडियो के फॉर्मेट MP4 हैं। ठीक है, और WMK शायद वो भी एक फॉर्मेट है। तो इसे आप जो भी फाइल सिर्फ फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, लाइक आप सिर्फ DOC एंड PDF करना चाहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ यू आर एक्सपेक्टिंग सम PDF फाइल्स एंड एक्सेट्रा, तो आप सारी इमेजेस वगैरह को डिसेबल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, बाकी ये एट्रीब्यूट क्लास एट्रीब्यूट होता है, जब आपने ना इसकी इसको डिजाइन करना हो तो अगर आप इसकी CSS क्लासेस लिखेंगे या CSS वो लिखते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जब हम इसको ओपन करते हैं ना, इंस्पेक्ट करते हैं, तो ये बेसिकली क्या होती हैं, ID जन क्लासेस क्या होती हैं। अगर आपको HTML CSS का पता है तो आपको पता होगा कि ID कैसी यूज़ होती है, क्लासेस कैसी यूज़ होती है। ठीक है, लेकिन नहीं पता तो फिर भी मैं आपको सिर्फ एक बेसिक बताता हूँ। ये देखिए, ये इनपुट फाइल है, ठीक है, दिस वन। अब इसके अंदर ना ये क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे एंट्री कॉन्टेक्ट इनपुट टेक्स्ट फाइल। ठीक है, ये देखें, ये पूरी जो क्लास है ना ये डिफाइन हुई है, एंट्री कॉन्टेंट इनपुट टेक्स्ट फाइल, टाइप क्या है टेक्स्ट, ये टाइप सकते हैं। उसने बताया इसकी लाइन हाइट इतनी है, हाइट इसकी 40 पिक्सल, और यहाँ पे देखिए इसका साइज डिफरेंट है फोन नंबर का, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें ये है, और यहाँ पे आपको डायरेक्शन दी हुई है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है। इसका कलर देखिए, इसके अंदर कलर जो नजर आ रहा है आपको ये वाला, अगर मैं इस कलर को चेंज करता हूँ, बल्कि मैं सिर्फ देता हूँ रेड, इसने यहाँ पे इस चीज़ को रेड कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ ब्लू, इसको नहीं ब्लू किया, नहीं सॉरी ब्लू लिखा ही गया, ये देखिए ब्लू कर दिया है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ ऑरेंज, देखिए ऑरेंज कर दिया। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि आप जो है ना ये जो पीछे CSS फाइल्स एंड एटसेट्रा जो है ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन हो रहा होता है, ये जो ID एट्रीब्यूट सिर्फ इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करेंगे बता रहा था,
आइडिया थी वो क्लास एट थी, वो ये बेसिकली सी एस एस और जब एच टी एम एल के एडवांस में चले जाते हैं ना, तो वहाँ पे फिर ये चीज़ें डिफाइन करते हैं कि इफ़ यू वांट टू चेंज द लुक ऑफ दैट स्पेसिफिक फील्ड, तो आप वहाँ से फिर इसके लिए आप सी एस एन कोड एंड ये चीज़ें डिफाइन करके फिर इसी जो लुक है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इस पर काम नहीं कर रहे क्योंकि इसमें फिर आपको एडवांस जो एच टी एम एल सी एस एस स्किल्स है ना वो चाहिए। ठीक है, फिलहाल इसको ऐसे जानते हैं। ठीक है, अपलोड फाइल जो है ये हमने बता दिया कि हमें ये करना है, इसके ऊपर हम एक टैक्टिक देते हैं, सबमिट योर अपलोड योर डॉक्यूमेंट से इसको हम सेव करते हैं और कॉन्टेक्ट इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये ऑप्शन आ गया, अब आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अगर सारी फाइल्स जो ऑप्शन आ गई आप कौन सी फाइल कहाँ क्लियर करनी है। ठीक है, सर सी एस एस अप्लाई कैसे होगी इस पर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि अभी तो वैसे ये जो सेशन है ये एक मिनट से कम रह गया तो ये क्लोज होने लगा। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा इन्विटेशन जल्दी जल्दी सेंड करता हूँ, तो दोबारा जल्दी से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। जो आपकी सी एस एस पूछ रहे थे ना, आप सी एस एस फॉलो करते हैं तो आप यहीं पर अगर टाइम है वह थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने सी एस एस को वो ऐड करना है स्टाइल शीट को, इसी के बॉटम पर जाएँ और यहाँ पे आप लिखें वो जो स्टाइल स्लैश स्टाइल जो भी आपने सी एस एस की फाइल यहाँ पे एट्रीब्यूट एस में लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने जो भी सी एस एस या नहीं जो क्लास आई डी डिफाइन की होगी, ठीक है, क्लास मतलब ए बी सी आपने सेलेक्ट की थी, तो आप उसके मुताबिक यहाँ पे डॉट ए बी सी लिखेंगे और फिर उसके मुताबिक जो है ना उसकी जो भी आपने फॉर्मेटिंग सेट करनी होगी या फॉर्मेटिंग सेट कर लेंगे। ठीक है, ये उसी फॉर्म के नीचे आप सी एस एस का बना दें, यहाँ बनाना तो यहाँ बना ले, नहीं तो ये देखिए यहाँ पे कस्टमाइज के अंदर आप ऑप्शन जाएंगे तो आपको शायद उसमें आप